नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अलग तरह की साधना लेकर आए हैं और यह साधना एक परी की साधना है। इस परी का नाम अमीरा है। यह एक ऐसी परी है जो कि राजकुमारी कहलाती है। असल में इस उर्दू शब्द का अर्थ राजकुमारी या रॉयल महिला होता है। यह परी लोक में रानी की तरह रहने वाली एक शक्तिशाली परी मानी जाती है। इसकी साधना करने वाला साधक अमीर हो जाता है और राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। इस साधना के विषय में संपूर्ण ज्ञान उपस्थित नहीं है, किंतु जितना भी इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है, आज उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। यह एक अति सुंदर और परीलोक में राजकुमारी कहलाने वाली एक परी का नाम है। यह परी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अपने मधुर स्वभाव के कारण अच्छी परी मानी जाती है। इसे सिद्ध करके शारीरिक संतुष्टि प्राप्त करने के अलावा भोग और धन को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमिका के रूप में यह अलौकिक यौवन का आनंद देने वाली है, किंतु साधना के दौरान अपनी वासना पर नियंत्रण अनिवार्य है, अन्यथा इसकी सिद्धि आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सुंदर अप्सरा का मानसिक चित्र यानी मन में कल्पना एक बहुत ही सुंदर परी की करनी होगी और एक विशालकाय वृक्ष के नीचे बैठकर नमाज पढ़ने की मुद्रा यानी वज्रासन में हरे रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठकर आपको यह साधना करनी होगी। पेड़ बहुत बड़ा विशालकाय और पुराना होना चाहिए, तभी इस तक आपके मंत्रों का स्वर पहुंच पाएगा। इसमें आपके पास गुलाब के पुष्प, चमेली का इत्र और तेल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 8 सुपारी, लौंग, बताशे, यह सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा थोड़े से काले तिल, सफेद वस्त्र और सफेद रंग के हकीक की माला इस साधना में आपके लगती है। यह साधना कुल 40 दिन की मानी जाती है। आप ऐसे वृक्ष का चुनाव कीजिए जो कि काफी पुराना और काफी बड़ा और विशालकाय हो, तभी आपकी साधना के लिए सही प्रकार का वातावरण निर्मित हो पाएगा, अन्यथा आपकी साधना के स्वर इस तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में यह किसी वृक्ष के माध्यम से ही निकल कर बाहर आती है और वृक्ष जितना ज़्यादा पुराना और विशालकाय होगा, इसे आने में उतनी ही आसानी होती है। यह अपने परीलोक से आपकी दुनिया में आने के लिए किसी पेड़ का ही सहारा लेती है, इसीलिए इसकी साधना किसी विशालकाय
वृक्ष के नीचे ही करना चाहिए। आप शुक्ल पक्ष के महीने में शुक्रवार को व्रत रखें और शाम को केवल खीर खाकर फिर रात्रि में स्नान करके जहां साधना कर रहे हैं वहां गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दें, फिर अपने कानों में इत्र का फोहा लगा लें और एक चमेली के तेल का दीपक जलाकर उसके चारों ओर पंखुड़ियों का एक घेरा बना लें। फिर आप उसके चारों तरफ सुपारी, लौंग, इलायची और बताशे रखें। फिर आप तिल की ढेरी बना दें और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सफेद रंग की हकीक माला से रोजाना 101 माला का जाप करें और उसी जगह पर सो जाएं। प्रतिदिन आपको यही करना है पूरे 40 दिन तक। रोज भोजन में खीर खानी है और आप इसके लिए चाहें तो अपने साथ भोजन खीर लेकर जा सकते हैं। खाने के कुछ देर बाद स्नान करके 101 माला का जाप करें और यह क्रम बनाए रखें। साधना का सबसे महत्वपूर्ण नियम ब्रह्मचर्य का पालन है। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका जो मंत्र है वह मैं आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूं, किंतु इसे मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि ऐसे ही इसका जाप नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर इस साधना को शुरू करें और अपने गुरु से इस मंत्र का उच्चारण करवाएं। इसके बाद ही इस साधना को शुरू कीजिए। आप इस साधना के लिए विशेष रूप से अपने चारों तरफ रक्षा घेरा भी अवश्य बनाएं, क्योंकि इस साधना में बुरी शक्तियां आपकी साधना रोकने और परी को आकर उसे छीनने और उसकी शक्तियों को खुद हासिल करने का सदैव सोचते रहते हैं। कई बार ऐसे साधक परी के आने पर उसके सामने चुपचाप बैठे ही रह जाते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ज्यादा सुंदर परी मानी जाती है। जब आप सम्मोहन में आ जाएं, तो अपनी वचन लेना ना भूलें ताकि वह आपके वचन में बंध जाए। इसके अलावा आप उससे कोई निशानी, जैसे उसका कोई कपड़ा या अंगूठी भी मांग सकती हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और जब भी आप उस कपड़े अथवा अंगूठी को रगड़कर उसके मंत्रों का उच्चारण 11 बार करेंगे तब वह प्रकट हो जाएगी। जो लोग भी इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं उन्हें अन्य स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना परी नाराज होती है। जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस भी कार्य को आप करते हैं उस कार्य में आप इस परी की सहायता ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा।
और आपके आय के साधन बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ जाएंगे। यह परी अपने रूप, सौंदर्य और राजा बनाने की विद्या देने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, लेकिन इसकी साधना में कौन सा सुरक्षा घेरा लगाना है यह आपके गुरु आपको अच्छी प्रकार से बता सकते हैं। ज़्यादा शक्तिशाली सुरक्षा घेरा या बड़े देवी देवता का घेरा ना लगाएं, वरना परी स्वयं ही नहीं आती है। इसके अलावा अगर बुरी शक्तियां इस साधना में आपको रोकती हैं, डराती हैं, तो भी आप अपनी साधना को ना छोड़ें। यह एक कठिन साधना है, लेकिन सफलता मिल जाने पर परी आपके सामने साक्षात प्रकट होकर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करती है। लेकिन परी से कोई गलत कार्य ना करवाएं, जिसकी वजह से आप और परी दोनों पाप के भागीदार बने। तो यह थी आज की एक अत्यंत गुप्त अमीरा नाम की परी साधना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।